हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज वीडियो में जानने वाले हैं पाल्स चेकिंग के बारे में, ट्रबल शूट चेक करने के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा डक्टेबल एसी है या नॉर्मल कोई सा भी एसी हो सकता रहेगा। एसी अगर कंप्लेन इसमें है, चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है। हमने भी यहाँ पर आया है, देखा है, तो अब जैसा कि आप लोग आवाज़ सुन सकते रहे, अभी ये चालू हो रहा है, फिर थोड़ा टाइम चलता है ये बंद हो जाता है, फिर ये स्टार्ट होता है, थोड़ा टाइम चलता है एक मिनट के आसपास, एक मिनट से कम में चलता है, फिर बंद हो जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं अभी बंद हो गया, फिर अभी जो है थोड़ा टाइम में ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट होता है बंद होता है। तो इस तरह से अगर होता है एसी कोई सा भी हो सकता है, अगर इस तरह से बंद चालू होता है, बंद चालू होगा तो कंडीशन हमारा रूम में कूलिंग भी नहीं होगा, और हमारा कंप्रेसर भी खराब हो सकता रहेगा, कॉन्ट्रेक्टर खराब हो सकता रहेगा, और बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता रहेगा अगर इस तरह से बंद चालू होता है, बंद चालू होता है। तो बंद चालू होने के इसमें दो तीन रीज़न हो सकते रहेंगे, चाहे बहुत से रीज़न हो सकते रहेंगे, बेसिकली हम दो तीन रीज़न जानने वाले हैं। अभी देख सकते रहेंगे बंद चालू हो रहा है, इसमें कूलिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, जब तक इसका साइकिल पूरा नहीं होगा, तब तक कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा और इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें पावर चेक करना चाहिए, अगर इसमें पावर वीक रहेगा, पावर लो रहेगा या हाई रहेगा, लूज कनेक्शन रहेगा, तभी भी इस तरह से एसी हमारा चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट भी खराब हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम भी हमें चेक करना चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर हो गया, रिले हो गया, पीसीबी कंट्रोल हुआ, हमें चेक करना चाहिए। अगर वो सब सही है उसके बाद इसमें हाई प्रेशर जा सकता रहेगा, अगर सिस्टम में हाई प्रेशर जाएगा तभी भी इस तरह से ट्रिप होगा। हाई प्रेशर जाने की वजह से हमारा कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है या डस्टी है, तो वो कंडीशन में हमारा हाई प्रेशर जाएगा या गैस ज़्यादा रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर अभी हमारा कंडेंसर फैन दो लगा हुआ है, दोनों हमारा रनिंग कर रहा है, चल रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसका कंडेंसर कॉइल भी साफ़ है, क्लीन है, फिर भी ये कट ऑफ हो रहा है, चालू हो रहा है, ट्रिप हो रहा है। तो उसके बाद होता है इसमें गैस लो होना, अगर सिस्टम में अगर गैस लो रहेगा तभी भी प्रॉब्लम होता है, HP LP पर ट्रिप होगा। HP पर जो है हमारा ट्रिप होता है 450-450 PSI के ऊपर गैस जाएगा, तब वो कंडीशन में हमारा HP प्रेशर ट्रिप होता है। LP प्रेशर जो रहता है 30 PSI से या 35 PSI से अगर गैस लो रहेगा, वो कंडीशन में LP प्रेशर पर ट्रिप होता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, अच्छा जरूर सीखने को मिलेगा। तो आप देख सकते रहेंगे ये हमारा जो एसी है, यहाँ पर हम कंट्रोल वगैरह खोल करके यहाँ पर हमने गैज लगाया है, गैज लगा करके हमने चेक किया है, R22 गैस इसमें है। तो R22 का स्टैंडिंग प्रेशर जो रहता है 150 से 160 PSI के आसपास रहता है, यानी कि 150 PSI रहता है लमसम में। तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे 150 PSI से इसमें एक प्रेशर कम है, यानी कि इसमें गैस कम है, जिसकी वजह से प्रेशर भी स्टैंडिंग प्रेशर भी कम शो कर रहा है। तो अभी इसको हम चालू करते हैं। गैज यहाँ पर देख सकते रहे, हमने मैनिफोल्ड गैज वगैरह गैस वगैरह सब कुछ लगा दिया, रेडी कर दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक नहीं चालू होता है, ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, इसलिए हमने सब कुछ रेडी किया, गैस भी पर्च कर लिया है। गैस देख सकते रहेंगे यहाँ पर हमारा 30 PSI से कम हो रहा है, 30 PSI से कम होते ही ट्रिप हो गया। तो वापस हम यहाँ से क्या किए, वाल को चालू कर दिए, गैस में डाल दिए, जिससे हमारा ट्रिप ना हो, कंटिन्यू वर्क करे चले। आप देख सकते रहेंगे यानी कि इसमें प्रॉब्लम यही था, गैस में लीक था, जिसकी वजह से 30 PSI गैस जा रहा था, स्टार्टिंग में चालू हो रहा था 30 PSI जा रहा था, और LP प्रेशर पर ट्रिप हो रहा था, जिस फिर वापस से चालू हो रहा था, फिर रिसेट हो रहा था, गैस बढ़ रहा था, फिर ये LP प्रेशर ऑन हो जा रहा था, फिर चालू हो रहा था, पीछे बैक आ रहा था, 30 PSI आ रहा था प्रेशर, यानी कि इस तरह से गैस आगे पीछे हो रहा था, और HP LP पे LP हमारा ऑन होता था, बंद होता था, ऑन होता था, बंद होता था। तो इसमें हम जो है गैस चार्ज किया, देख सकते हैं गैस लो था, और यहाँ पर हमने गैस जो सक्शन जो 60 PSI तक हमने चार्ज किया है, और अभी हमारा रनिंग कर रहा है, वर्क कर रहा है, देख सक्शन पाइप भी देख सकते रहे, शूटिंग आ रहा है। तो बहुत सी एसी में इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको वीडियो में कुछ जानने सीखने को मिला है, अच्छा लगा है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन कर दें, जिससे और भी इस तरह से कुछ भी टेक्निकल वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, दे सके। आप ये वीडियो उन लोग पास शेयर करें जो लोग एसी का कोर्सेज कर रहे हैं या ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए लोग हैं, इंटरेस्टेड हैं ये सब वीडियो जानने देखने के लिए, और भी आप ग्रुप में शेयर करें, जिससे और भी लोगों का हेल्प हो सके, आपकी वजह से और भी लोग सीख सके, देख सके। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।